कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप बहुत हेवी मेकअप किए हुए हो और कहीं पार्टी से आते हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस विद इन 1 मिनट आप अपने फेस का मेकअप कैसे रिमूव कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक चीज़ से आप अपना पूरा फेस क्लीन कर सकते हो, डीप क्लीन कर सकते हो। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप यूट्यूब के बाद, मतलब जब आप यूट्यूब का काम वीडियो बना लेती हो, तो आप अपना पूरा मेकअप कैसे क्लीन करती हो, क्योंकि बहुत सारे लेयर होते हैं, आपके आई का मेकअप भी बहुत हेवी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो के थ्रू उनको बता दूँ कि मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। विद इन 1 मिनट मैं करके दिखाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही हर्बल है, कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी। मेरे पास दो दो तीन तीन क्लींजर है, आयुर का है, सीटाफिल का है और पतंजलि का भी है। पतंजलि नहीं, किसका है, आई डोंट नो, मुझे याद नाम नहीं याद आ रहा, पर है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। आप कच्चा दूध भी यूज़ करते हो, पर वो सब हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ विद इन 1 मिनट, वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ अपना हेवी मेकअप लुक कैसे हटाती हूँ, कैसे रिमूव करती हूँ। आप भी चाहो तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, और अगर आपको अच्छा लगे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ट्रिक या टिप्स कह सकते हैं डीप क्लीनिंग का, आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब का बटन रेड होता है, जस्ट मेरी वीडियो आप देख लो उसके नीचे सब्सक्राइब का एक रेड बटन होता है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आता है एक बेल आइकॉन, उसको भी क्लिक करना है। उससे क्या होगा, आपकी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलेगी, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फटाफट से मिलती जाएगी, ठीक है। और आप बहुत ही आराम से देख सकोगे मेरी वीडियो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी मैं अपनी क्लीनिंग कैसे करती हूँ फेस की डीपली, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना ज्वेलरी निकालती हूँ, जो भी मैंने पहन रखा होता है मैं सबसे पहले उन्हें निकालती हूँ और रख देती हूँ, और उसके बाद ही मैं कंफर्ट जोन में आती हूँ। और देखिए इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा था। फ़ैन जब चलता है तो होता क्या है कि सारे हेयर मेरे उड़ उड़ के मेरे फेस पे आते हैं और चिपक से जाते हैं, क्योंकि बेस काफ़ी हेवी होता है तो चिपकने लगते हैं, तो मुझे बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील होता है। उसके बाद मैं अपने हेयर को टाई कर लूँगी, बैंड कर लूँगी, एक जूड़ा बना लेती हूँ पीछे। उससे क्या होता है, एकदम बहुत ही अच्छा फील होता है, एकदम लाइट फील होता है। उसके बाद सबसे पहले मैं रियल फॉल्स आईलैशेस निकालती हूँ, और कुछ भी नहीं मिलता है गाइस, जब मैं कुछ भी करने लगती हूँ तो कुछ मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ खो जाता है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे उसका केस मिल गया, उसमें मैं अपने फॉल्स आईलैशेस को रख दूँगी। उसके बाद ही कुछ करती हूँ, क्योंकि जब तक फॉल्स आईलैशेस आप नहीं निकालते हो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने मेकअप को रिमूव नहीं करते हो। मैं सबसे पहले फॉल्स आईलैशेस रिमूव करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लेती हूँ पतंजलि का नारियल तेल, यस ये कोकोनट ऑयल है पतंजलि का, उसको मैं अपने पाम पे लेती हूँ, अच्छे अमाउंट में लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, जितना भी जो मेरा मेकअप है अपने आप हटता है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस मैं रब करती हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा अमाउंट में मैंने लिया है, और मैं बस इसे अपने फेस पे इस तरह से रब करूँगी, मसाज करती हूँ पूरे फेस को अच्छे से, क्योंकि मसाज करने के दौरान आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ जाती है, जिससे आपका फेस ग्लो आता है, ग्लो करने लगता है, और बहुत ज़रूरी होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। और इस देखिए मैं अपने लिप्स पर इसे अप्लाई कर रही हूँ उस कोकोनट ऑयल को, तो देखिए मेरा लिपस्टिक अपने आप निकल गया, आई के ऊपर रब कर रही हूँ, आई का भी मेकअप देखिएगा फट से निकल जाएगा। देखो सारा आई शेडो लाइनर वगैरह तुरंत निकल गया, 1 सेकेंड के अंदर निकलता है, इसलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने पूरे फेस पे। और मैं इसी से हमेशा अपना फेस का मेकअप रिमूव करती हूँ, बहुत आसान होता है, बहुत मतलब एक मिनट के अंदर ही निकल जाता है पूरा मेकअप। इस तरह से पूरे फेस को और आईज़ के ऊपर मैं राउंड करके अपने फिंगर से करती हूँ। और उसके बाद मैं लेती हूँ जॉनसन्स का बेबी वाइप्स, और मैंने एक निकाल रखा था, और उसे अपने फेस पे इस तरह से रखती हूँ, डैब करती हूँ। डैब करने से क्या होता है, मेरा सारा सोख हो जाता है, और देखो सारा मेकअप निकल गया, एक स्वेप में मेरा सारा मेकअप निकल गया। और इसी से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से पोछती हूँ, और क्या कहते हैं उसको, जितना भी जो आपका मेकअप है ना वो बड़ा आराम से निकलता है। ये हो गया मेरा मेकअप निकल गया, मैं बहुत लाइट फील कर रही थी। उसके बाद जैसे ही मेकअप हटता है लगता है अरे वाह क्या लग रहा है, फेस तो इतना अच्छा लगता है एकदम, मैं बहुत हल्की हल्की फील करती हूँ। और पूरा वॉइस एकदम गंदा हो गया सारे लेयर निकलने के बाद, उसका जो हाल होता है मैं आपको जस्ट अभी दिखाऊँगी। एकदम
एक भी मेकअप का कण मेरे फेस पे नहीं रहता है। डीप क्लीन करता है, मॉइस्चर करता है, हाइड्रेट करता है आपका। कोकोनट ऑयल ये देखो कितना गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा। उससे से मैं अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करती हूँ इसलिए क्योंकि पूरा फैला फैला रहता है मेरा कोकोनट ऑयल, उससे मैं चिपचिपा लगता है, तो मैं सारा हटाती हूँ इसी से। ये देखो इसका हाल बेहाल हो गया और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, अगर आपके पास वाइप्स नहीं है तो आप कॉटन पैड ले सकते हो या कॉटन ले सकते हो, मैं दोनों से करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैं थपेड़े मार मार के अपने फेस को सोक करती हूँ, क्योंकि पतंजलि रामदेव बाबा बोलते हैं जब भी फेस धो तो पोछो मत, उसे थपेड़े मार के सुखाओ, जिससे आपके पोर्स खुलते हैं और आपका पानी अंदर जाता है, आप डीप क्लीन होता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ पतंजलि के एलोवेरा जेल, उसे मैं एज अ मसाज करती हूँ अपने पूरे फेस पे। मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे भी एलोवेरा जेल रात में लगा के सोने से आपकी स्किन बहुत फेयर होती है, मैं बहुत ज़्यादा ये फील करती हूँ, तो मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ फेस पे। और उसे पूरे अच्छे से आईज़ के ऊपर, नोज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर पूरे अच्छे से राउंड सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर लेती हूँ। तो और इस तरह से मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ। सिंपल स्टेप्स मैंने यूज़ किया और मेरे फेस की डीप क्लीनिंग हो गई। बहुत अच्छे से क्लीन करता है, डीपली क्लीन करता है। और ये ट्रिक्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं वीडियो बना लेती हूँ तो बहुत थका फील करती हूँ, बहुत टायर्ड फील करती हूँ, तो मैं इसी तरह से अपना फेस की क्लीनिंग करती हूँ। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे उनको तो आंसर मिल ही गया है। तो ठीक है, आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये टिप्स कैसा लगा। ठीक है, और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसे अपने ऊपर फॉलो करूँगी। और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कह सकते हैं, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जो लोग नए हैं अभी तक से नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसी ट्रिक को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सके। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत सारा प्यार आप लोगों को मिल रहा है तो मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, कल मिलती हूँ, बाय बाय।